नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन वन, मैं हूं कनक बिष्ट। चलिए रुक करते हैं खबरों का। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन इन दिनों यात्रियों के साथ धोखा करने का रिकॉर्ड बनाने में लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले ही आनंद विहार को जाने वाली सुहेल देव एक्सप्रेस में अतिरिक्त बोगी का 80 लोगों का टिकट तो कंफर्म कर दिया गया, पर अतिरिक्त बोगी लगाई ही नहीं गई। अभी यह मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि आज एक बार फिर इसी ट्रेन में एसी के यात्रियों के साथ रेलवे ने मजाक कर दिया। गाजीपुर जनपद में इस समय कुछ और ही नजारा रेलवे में देखने को मिल रहा है, जहां के टिकट कंफर्म होने के बाद भी लोगों को कभी पूरी बोगी ही नहीं मिल रही है, तो कभी एसी फर्स्ट की जगह एसी सेकंड में जगह मिल रही है। इतना ही नहीं, विभाग की लापरवाही से ऐसी स्थिति में जब लोगों को बर्थ नहीं मिल रही है तो एसी के 14 बर्थ खाली जा रहे हैं, जिनका रास्ते में टीटी के द्वारा बंदरबांट किया जाएगा। गाजीपुर से आनंद विहार को जाने वाली सुहेलदेव एक्सप्रेस में अभी कुछ दिन पूर्व स्लीपर क्लास के 80 लोगों की बर्थ अतिरिक्त कोच में कंफर्म कर दी गई थी, पर ट्रेन में अतिरिक्त कोच लगा ही नहीं और इस लापरवाही पर एक रेल कर्मी को सस्पेंड भी कर दिया गया। पर आज फिर इसी ट्रेन में रेलवे की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जब एसी वन का टिकट तो लोगों को कर दिया गया पर एसी वन की ही बोगी नहीं लगी। इस ट्रेन में एसी वन और एसी टू के यात्रियों के लिए अतिरिक्त कोच जो 38E बर्थ की होती है लगनी थी, जिसमें 10 एसी वन की बर्थ और 28 एसी टू की बर्थ होती है। इनका टिकट कंफर्म कर दिया गया, लेकिन इस बोगी के स्थान पर एसी टू की बोगी लगा दी गई, जिसमें 52 बर्थ होती हैं। इस बोगी में एसी टू के लोगों के लिए तो कोई समस्या नहीं हुई, पर एसी वन के लोगों को अब भी विभाग की मेहरबानी से एसी टू में यात्रा करनी पड़ेगी। वहीं आज इस ट्रेन में 14 बर्थ खाली जाएंगी। वहीं इस मामले पर जब स्टेशन अधीक्षक से जब जानने की कोशिश की गई तो वो बात करने को तैयार ही नहीं हुए। इस मामले पर जब PRO DRM वाराणसी से फोन पर बात की गई तो वो भी इस गलती को मानने को तैयार नहीं हुए। वहीं इस मामले पर सांसद प्रतिनिधि व सदस्य रेल सलाहकार समिति सुनील सिंह ने बताया कि पिछले दिन भी ऐसा ही हुआ था और आज भी हुआ है कि चार्ट किसी और बोगी का और बोगी कोई और। सामान्य रूप से आनंद विहार से जो बोगी आती है वही वापस जाती है। यात्रियों को असुविधा हुई है, इसके प्रति मैं खेद जताता हूँ और आगे से ऐसी गलती ना हो ये रेलवे की हिदायत दी जाएगी। गाजीपुर से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।